200 करोड़ दे मनी लॉन्ड्रिंग मामले च हाईकोर्ट पहुंची जैकलिन फर्नांडिस। कोर्ट अगे कीती ए अपील। जैकलिन फर्नांडिस बॉलीवुड दी बहुत ही मशहूर अदाकारा है। जैकलिन ने मर्डर 2 ते किक समेत कई बॉलीवुड फिल्मों दे विच अपनी दमदार अदाकारी दे नाल खास पहचान बनाई है। हालांकि जैकलिन सुकेश चंद्र शेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले च अपना नाम जुड़न तो बाद सुर्खियां च है। इस मामले च उसनू कई बार अदालत च समन भी दिते जा चुके ने। तो इस मामले च उसके खिलाफ एक FIR ते सप्लीमेंटरी चार्जशीट भी दायर की गई सी। हुण अदाकारा ने अपने खिलाफ दायर चार्जशीट ते FIR नू रद्द करन लई अदालत तक पहुंच की है। ANI की एक रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्र शेखर नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले च उसके खिलाफ दायर FIR ते चार्जशीट नू रद्द करन लई दिल्ली हाई कोर्ट च पहुंच की है। रिपोर्ट अनुसार अदाकारा ने अपनी पटीशन च कहा है कि ED वालों मुहैया करवाए गए सबूत इस गल दे सबूत वजो काम करनगे कि पटीशनकर्ता बेकसूर है, उस सुकेश का निशाना बन गई है। जैकलिन ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच उसकी कोई शमूलियत नहीं है। अदाकारा ने भी कहा कि सुकेश चंद्र शेखर ने उस नाल धोखा किया। इस तो इलावा रिपोर्टा विच भी जाहिर करदे कहा कि अदाकारा ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसी ने पटिशनकर्ता नू दोषी करार दिंदिया पक्षपात किया। दस दिए कि ED ने 17 अगस्त 2022 नू जैकलिन खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर की सी। चार्जशीट के मुताबिक जैकलिन ने मामले के दोषी सुकेश तो महंगे तोहफे ले सन। इन्हां तोहफ़ों की कीमत 71 लाख रुपए दसी जा रही है। तो बाद ED ने अदाकारा की 7 करोड़ की जायदाद भी जब्त कर ली सी। जैकलिन फर्नांडिस बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर अदाकारा है। जैकलिन ने मर्डर 2 ते किक समेत कई बॉलीवुड फिल्मों के अपनी दमदार अदाकारी दे नाल खास पछाण बनाई है। हालांकि जैकलिन सुकेश चंद्र शेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले च अपना नाम जुड़न तो बाद सुर्खियां च है। इस मामले च उसनू कई बार अदालत च समन भी दिते जा चुके ने। तो इस मामले च उसके खिलाफ एक FIR ते सप्लीमेंटरी चार्जशीट भी दायर की गई सी। हुण अदाकारा ने अपने खिलाफ दायर चार्जशीट ते FIR नू रद्द करन लई अदालत तक पहुंच की है। ANI की एक रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्र शेखर नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले च उसके खिलाफ दायर FIR ते चार्जशीट नू रद्द करन लई दिल्ली हाई कोर्ट च पहुंच की है। रिपोर्ट अनुसार अदाकारा ने अपनी पटीशन च कहा है कि ED वालों मुहैया करवाए गए सबूत इस गल दे सबूत वजो काम करनगे कि पटीशनकर्ता बेकसूर है, उस सुकेश का निशाना बन गई है। जैकलिन ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच उसकी कोई शमूलियत नहीं है। अदाकारा ने भी कहा कि सुकेश चंद्र शेखर ने उस नाल धोखा किया। इस तो इलावा रिपोर्टा विच भी जाहिर करदे कहा कि अदाकारा ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसी ने पटिशनकर्ता नू दोषी करार दिंदिया पक्षपात किया। दस दिए कि ED ने 17 अगस्त 2022 नू जैकलिन खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर की सी। चार्जशीट के मुताबिक जैकलिन ने मामले के दोषी सुकेश तो महंगे तोहफे ले सन। इन्हां तोहफ़ों की कीमत 71 लाख रुपए दसी जा रही है। तो बाद च ED ने अदाकारा की 7 करोड़ की जायदाद भी जब्त कर ली सी।